नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल मनीष वीरजी टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के LED बल्ब रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये पुराने LED बल्ब हैं, हम इनको सुधारने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम घर बैठे LED बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे चैनल पर अभी नए नए आए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले हम इस वाले बल्ब को लेते हैं। दोस्तों नोडूफ कंपनी का LED बल्ब है, 9 वाट का है। तो दोस्तों हम इसको रिपेयर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको होल्डर में लगा के दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये बल्ब जल नहीं रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक है जिसकी वजह से बल्ब जल नहीं रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बल्ब ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे सामने पॉइंट नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सिंपल फंडा मैं आपको बताऊं, अगर आप LED बल्ब घर बैठे सुधार रहे हैं तो नॉर्मल आप देख सकते हैं ये सब 1-1 वाट के बल्ब। दोस्तों 9 बल्ब आपको दिख रहे होंगे, 3, 2, 5, 4, 9 बल्ब, मतलब 1 बल्ब 1 वाट का है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ब्लैक मार्क दिख रहा होगा आपको। तो नॉर्मल अगर बीमारी आपको पता करनी है तो आपको सभी पत्ते देख सकते हैं। दोस्तों आप 1-1 वाट के पत्ते हैं, सब बिल्कुल प्योर वाइट है, लेकिन दोस्तों इसमें कालापन है, मतलब ये वाला बल्ब शॉर्ट है। तो दोस्तों हम इसको चेक करते हैं कि वाकई ये बल्ब ही शॉर्ट है या ये पॉइंट शॉर्ट है। तो देखिए दोस्तों कम रोशनी के साथ दोस्तों जल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसी पॉइंट को दोस्तों चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे हमने बताया था वैसा इसमें है। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट ही इसमें शॉर्ट है। तो दोस्तों इसको ही हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट को यहाँ से हटा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इस वाले पॉइंट को हटा दिया। अब इसकी जगह दोस्तों हम सोल्डरिंग करके आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इस वाले पॉइंट को सोल्डरिंग कर दिया। अब हम दोस्तों इसको जलाकर देखेंगे कि वाकई बल्ब जलता है कि नहीं जलता। तो देखिए दोस्तों बल्ब पूरी तरह जल रहा है, मतलब उसी रोशनी के साथ जल रहा है जैसे हम नया बल्ब लेते हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है गाँव में अगर बल्ब खराब हो जाता है तो मुझे फेंक देते हैं, फिर दूसरा बल्ब लेके आते हैं। तो दोस्तों बल्ब को फेंकने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे शेयर जरूर करें।